सहरसा में बीते दिनों परिसर में तोड़फोड़ और हंगामे से सबक सीखते हुए शनिवार को पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील रहा। दरअसल कुछ दिन पहले शरारती तत्वों के द्वारा कचहरी और कमिश्नरी ऑफिस के बीच में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के विरोध में 7 सितंबर को सहरसा स्टेडियम परिसर में विशाल बहुजन महारैली का आयोजन को देखते हुए ये चौकसी बढ़ती गई। बीते 21 अगस्त को अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इस बार इससे बचने के लिए कलेक्ट्रेट गेट से लेकर परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों और दंडाधिकारी की चहलकदमी रही। समाहरणालय के अधिकारी कर्मी कार्यालय में काम कराने आने वाले लोगों, अधिवक्ता और पत्रकारों को छोड़कर अन्य की कलेक्ट्रेट के अंदर आवाजाही पर रोक रही। कलेक्ट्रेट गेट के बाहर मजमा भी लगने नहीं दिया जा रहा था। सरकारी कार्यालय के पास एक पुलिस बल मुस्तैद थे। सदर एसडीओ शंभुनाथ झा के आदेश पर शुक्रवार की मध्य रात्रि से कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई। हाथ हट गया राज पिछू कर हम ले रहा जाए गाड़ी घर नहीं चलेगी पिछ 3 मिनट बने लो तब 3 मिनट के बदले